मेरी हर मुमकिन कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी कि दुनिया की सब तो वड्डी जमात है उहदा सुनेहा मैं गिद्दड़वा दे हर परिवार तक पहुँचा सकूं। मेरे लिए ये निहायत खुशी ते मुसर्रत दा मुकाम है कि मैं एक किस्म दा देश निकाला कट के अज 14 साल बाद मैं फिर अपने जन्म भूमि ते आया। जम्मण वाली मां ते जम्मण वाली थां ये किते भुलदियां नहीं हुंदियां। गलियां नालियां बनाण नाल देश ने अगे नहीं निकलना। लोकां दी कमाई दे विच किवें वाधा कर सकीए, लोगों की आमदन के इजाफा किवें होवे, और जिस दिन लोगों की आमदन च इजाफा होएगा तो देश जिहड़ा है वो अगे वधे। रोजाना स्पोक्सपर्सन गिद्दड़बाहा दे विच मौजूद है इस वक्त मनप्रीत सिंह बादल ने इतों नामजदगी पत्र जिहड़े आपणे दाखिल कर दिते आ, तो उन्हां दे नाल रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी दे जिहड़े प्रधान, अविनाश राय खन्ना, तमाम जिहड़ी लीडरशिप आ पहुंची है, तो नोमीनेशनां दा दौर जिहड़ा शुरू हो चुक्या है। तो मनप्रीत सिंह बादल साहब साडे नाल है। सर, पहलां तां बहुत बहुत मुबारकां जी, तुसीं दोबारे इसे हल्के तो शुरुआत कर लगे फिर एक बार जी। और थोड़े देखने वाले नु मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल ते नमस्कार जी। सर, किवें देख रहे हो इस मुकाबले नु जी? काफी वड्डे लीडर इत्थे इस वक्त मैदान चोन मैदान छके। चलो ये तो देखो हर पार्टी का यह जमहूरी हक है कि अपनी अपनिया नीतियां अपनी अपनिया पॉलिसियां लोगों के सामने लैके आई है, और इस जमहूरीयत दे विच फिर अल्टीमेटली तो लोगों ने फैसला करना होंदा कि लोगों की भला या लोगों नूं पसंद की है। पर मेरी हर मुमकिन कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी कि दुनिया की सब तो वड्डी जमात है उहदा सुनेहा मैं गिद्दड़वा दे हर परिवार तक पहुँचा सकां। बड़े लंबे समय बाद मौका मिल रहा है उन्हां परिवारों नूं मिलण दा जिन्हां नूं काफ़ी टाइम पहलां मिलदे रहे हो तुसीं। मेरे लिए ये निहायत खुशी ते मुसर्रत दा मुकाम है कि मैं एक किस्म दा देश निकाला कट के अज 14 साल बाद मैं फिर अपने जन्म भूमि ते आया। और पंजाबी च कहावत है कि जम्मण वाली मां ते जम्मण वाली थां ये किते भुलदियां नहीं हुंदियां, ये हमेशा याद रहिंदियां। सो मैं अपनी जम्मण वाली मां ते थां ते विच वापस आ गया, इस गल दी खुशी है। उस वक्त सीगे जदों मैं लगता है सब तो वड्डी कमी तुहाडे वास्ते इही चीज़ होणी, उन्हां दी गैर हाजिरी है जिहड़ी ये हमेशा मैनूं रड़कदी है, और खास करके अज। और ये जिहड़ियां 1995 दियां यादां उन्हूं भी ताज़ा करदी है। अच्छा, तुसीं लोकां कोल जा रहे हो, पिंड पिंड जा रहे हो, की लोक मसले की दसदे ने, की तकलीफां ने इस इलाके दे लोकां दी? हालांकि तीन बार राजा बणी विधायक इत्थों चुणे गए ने, MP बण गए ने, लोक किस तों परेशान ने? देखो असली जिहड़े मुद्दे है पंजाब दे और हिंदुस्तान दे उह तां है रिश्वत, गुरबत, अनपढ़ता, बेरोजगारी, नशाखोरी ते वतन दुश्मन कारवाइयां। असली मुद्दे तां इह है गलियां नालियां बनाउण नाल देश ने अगे नहीं निकलना, पर सरकार दा जिहड़ा बुनियादी फर्ज है या धर्म है कि लोकां दी कमाई दे विच किवें वाधा कर सकीए, लोकां दी आमदन दे विच इजाफा किवें होवे, और जिस दिन लोकां दी आमदन च इजाफा होएगा तो देश जिहड़ा है वो अगे वधेगा। किवें देखदे हो जी अमृता वड़िंग भी ने, हरदीप सिंह, डिंपी ढिल्लो भी, हालांकि अकाली दल ने कैंडीडेट अनाउंस नहीं किया, फाइट मानदे हो इस इलाके दी? साहब इह तां किसी सियाणे पंडित नूं पुछणा पैणा है। मैं तां 7 इलैक्शन लड़िया, 5 जित्तिया, 2 हारिया, और जिहड़े मैं जित्तिया मैनूं तां उदों वी नहीं पता चलिया कि मैं जित रिहा, ते जिहड़े हारिया मैनूं इह नहीं पता चल रिहा सी कि मैं हार रिहा। इह लोकां दे वस हुंदी है, मेरे वस नहीं। लोकां दा प्यार दिखाई दे रिहा, जिवें कोई पुराना कोई रिश्तेदार मिलन आ जांदा ना, तां इस किस्म दा चाह है जदों मैं जांदा। थैंक यू साहब। सो सर, मनप्रीत सिंह बादल जिन्हां ने इस वक्त अपनी नॉमीनेशन जी फाइल करती, नामजदगी पत्र जे अपने दाखिल कर दिता, तो बीजेपी की तमाम लीडरशिप इतने पहुंची है, तो हूँ इस गिद्दड़बाहा सीट के उत्ते हर राजनीतिक आगू की निगाह होनी है, क्योंकि ये हॉट सीट तो हैगी है, पर दिलचस्प मुकाबला जरा इस वक्त गिद्दड़बाहा देखने को मिलेगा, क्योंकि एक पास मनप्रीत सिंह बादल है, दूजे पास अकाली दल तो किनारा कर चुके डिंपी ढिल्लों, आम आदमी पार्टी के लड़ फड़ चुके, दूसरे पास अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की धर्मपत्नी अमृता वड़िंग जिहड़े 3 बार इतों विधायक ने, हूँ MP बन चुके हैं, तो अकाली दल का अजे तक उम्मीदवार अनाउंस नहीं होया। हूँ देखते हैं आने वाले समय में इस गिद्दड़बाहा हॉट सीट के उत्ते किहड़े उम्मीदवारां दे जिहड़े जिद्दां जिहड़ा ना ताज है वह पैंदा। कैमरामैन प्रतिपाल दे नाल अमित शर्मा, रोजाना स्पोक्समैन, गिद्दड़बाहा।